क्या ये मिस्टर मिस्टर रोहित का घर है? हाँ, आपके लिए पानी है। आप पानी वाले के साथ रोमांस तो नहीं करते ना? हाँ कर सकते हैं, दरवाजा पहले बंद कर दे। ओ नो, मुझे खतरा महसूस हो रहा है। मैंने आप लोगों को इंस्टाग्राम में देखा है। आपका पति अभी घर पे नहीं है, इसलिए मैं मौका देख के आया हूँ। जल्दी इसमें चुम्मा लेके चला जाता हूँ। भागो, तुम्हारा पति आने वाला है। बाबा हम सॉरी, काम था मेरा बाबा। हाँ ठीक है ठीक है, हटो यहाँ से जाओ। देखो मैं जानबूझ के नहीं किया। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो क्या? सॉरी बोलो, तुम हमेशा ऐसा करते हो। तुमको नहीं जाना तो पहले बोलते तो मुझे कि नहीं जाना है, तब से तुम बोले नहीं रेडी हो जाओ, ये हो जाओ वो। तुम बोलते कि ठीक है रेडी मत हो, रेडी हो गया कोई फायदा नहीं है फालतू का। मुझे काम इतना हो गया तो ठीक है, तुम दूर मुझसे दूर, डोंट टच मी। नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, तुम हमेशा ये सब मत करो, ये सब फालतू का, ये करके कोई फायदा नहीं होने वाला है, छोड़ो। तुम गुस्सा मत रहो। लेकिन तुम मेरे पास आओगे तो मुझे गुस्सा आएगा। तुम Hey guys, good morning and welcome back to our another new video. तो बहुत ज़्यादा tired हूँ मैं, और देखते हैं पीटर क्या कर रहा है। कहाँ बेबी तुम? ये रहा। मैं थोड़ा सा सेटल कर रहा हूँ सब चीज़ों को। Guys, good morning and welcome back. तो अभी पूरा घर मतलब थोड़ा सा गंदा हो रखा है, क्योंकि कल गेस्ट आए थे, तो दैट्स वाई अभी थोड़ा सा हम लोग रूम को साफ करेंगे। और फ्रिज में भी बहुत सारे मतलब खाने हैं, बहुत सारा खाना कल का जो था थोड़ा बहुत बच चुका है, तो दैट्स वाई उसको भी सेटल डाउन करने की कैसे उसको यूटिलाइज करें। और मार्केट भी गए थे तो बहुत सारे सामान आए थे, यहाँ पे साग पड़ा हुआ है दो दिन से, इसको भी ठीक करना है। सो ये सब काम है, फिर उसके बाद ऑफिस भी है हम लोगों का, एंड देन हम लोग शायद कहीं जाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। और क्या बोलना था मुझे? कुछ नहीं, अब मुझे जाना है पानी लाने के लिए। हाँ राइट, तुमको पानी लाने जाना है, और बेड फेंकना है, और बेड भी साफ करना है, बेड साफ करना है, घर साफ करना है। आई डू द बर्तन एंड आई डू द कुकिंग थिंग। ठीक है, खाना क्या है? ठीक है, ठीक है? तो मैं जाता पहले पानी लेकर आता तुरंत। ठीक है ठीक है, ओके जाओ, तुम पानी लेके आओ। चलिए गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में, 2-3 मिनट में मिलते हैं। तो गाइस रोहित पानी लेके आता है। क्या ये मिस्टर मिस्टर रोहित का घर है? हाँ, आपके लिए पानी है, लेके आइए अंदर। आप पानी वाले के साथ रोमांस तो नहीं करते ना? हाँ कर सकते हैं, दरवाजा पहले बंद कर दे। ओ नो, मुझे खतरा महसूस हो रहा है। ठीक है चलो जल्दी जल्दी, हाँ अब रोमांस करते हैं। रोमांस लुक एट हिम, लुक एट हिम। तुम पानी वाले के साथ रोमांस करते हो, तुमने बोला। मैंने आप लोगों को इंस्टाग्राम में देखा है, इसलिए मैं फैन हूँ। आपका पति घर पे नहीं है अभी? ओह शिट, आपका पति अभी घर पे नहीं है, इसलिए मैं मौका देख के आया हूँ। जल्दी इसमें चुम्मा लेके चला जाता हूँ। भागो, तुम्हारा पति आने वाला है। गाइस इसको देखो सिर्फ। चलो हमें घर भी साफ करना है, मतलब बेड भी ठीक करना है, इसी बेड पे तो सोना है ना हमें फिर से। फर्स्ट आ गया है मेरा फेवरेट, मुझे ऐसे लग रहा है बहुत खास। ये क्या है? क्या ये कल का लेफ्ट ओवर है? राइस, लेकिन राइस का स्मेल देखो कितना अच्छा टेस्टी लग रहा है ना। और ये बॉइल्ड एग है, और क्या है दिखने में तुमको क्या लग रहा है? इसके बाद पपीता भी है, थोड़ा सा खा लो। ये खा के मैं कॉफी पीऊंगा, उसके बाद पपीता खाऊंगा, क्योंकि मैं अभी अगर पपीता खा लिया तो कॉफी नहीं पी पाऊंगा, दैट्स व्हाई वो मैं बात के लिए रखा हूँ। वो छोड़ो, मुझे लगा कि बहुत कुछ खास तुम लेके आ रहे हो, मतलब बहुत कुछ टेस्टी होगा, कुछ होगा। टेस्टी ही है और खास भी है, नहीं लगा इसीलिए तुमको अच्छा नहीं लग रहा है। घंटों पसीना पसीना में कुछ बनाता तब जब तुमको सुकून मिलता। काटना मत मुझे, खा लो ये चुपचाप। चलिए गाइस खा लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं। गाइस हमारे एक पार्सल आया है, ये प्रमोशन के लिए आया है, लेकिन अभी हम लोग इसको यूट्यूब पे नहीं अनबॉक्स करेंगे, बट जस्ट बोल रहे हैं आप लोगों को ये आया है। कहाँ पे अनबॉक्स करना है इसको? इसको इंस्टाग्राम के लिए है। ये इंस्टाग्राम के लिए? हाँ, तो वैसे इंस्टाग्राम के लिए पीयर पार्सल आया है, प्रमोशन के लिए। इसके अंदर कुछ तो है जो यहाँ पे नहीं दिखा सकते, पीयर पार्सल ये खुद का नहीं है, सो इंस्टाग्राम में जाके देख लेना गाइस। हाँ, चलो उसको खोलो, फाड़ दो। सो गाइस मौसम तो बहुत मस्त, यू कैन सी, लुक एट द स्काई, वाओ
मौसम तो बहुत अच्छा हो रखा है, तो यहाँ पे रोहित पीछे काम कर रहा है, मैं इसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ कि मैं आज क्या बना रहा हूँ वो दिखाने। वो है आज इसके अंदर है ये जो कल का फिश बचा हुआ था हिलसा, उस इलीच मास से मैंने ये वाला कुछ अलग से बनाया है। कल बहुत ज्यादा ड्राई हो गया था तो उसको थोड़ा बहुत मैं डिफरेंट तरीके से बनाया हूँ। और गाइस इसमें मैं बना रहा हूँ वो जो लोटे मच्छी था उसका एक भुना बना रहा हूँ, क्योंकि ये दो दिन से रखा हुआ तो मैं सोचा कि इसको थोड़ा बहुत गार्लिक वगैरह से भून लेता हूँ। तो ये यहाँ पे बाकी तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके साथ राइस बना दूंगा। राइस के साथ देखो इसके अंदर अंधेरा हो गया ना घर। क्यों? क्योंकि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अंधेरा होने से ना? मुझे तो है, इंस्टाग्राम का काम भी आता रहता है, तो आप लोग प्लीज इंस्टाग्राम में फॉलो करो। और गाइस अगर आप लोगों को भी प्रमोशन देना है हम लोगों को, तो आप लोग अपना प्रोडक्ट भेज सकते हो, अगर भेजना है तो कमेंट में बोलो। हमारा ईमेल एड्रेस भी है couplefromplutobusiness@gmail.com। ओके फाइन, तो उसमें बिजनेस के लिए भी पिंग कर सकते हैं लोग। A few minutes later, ये क्या कर रहे हो तुम? ये मैं ऑपरेशन कर रहे हो ऐसा लग रहा है। देखो मैंने पहले ट्राई किया था, जब कच्चा था ना तब निकालने का कोशिश किया था, लेकिन बहुत सारे फिश निकल, लेकिन इसको देखो ये अच्छे से निकल रहा है। हाँ लेकिन ऐसा लग रहा है तुम जैसे ऑपरेशन कर रहे हो, हाथ में कांटा चम्मच, ऊपर से एक लाइट भी दे दो तो मास्क भी पहन लो, तो ऐसा लग रहा है ऑपरेशन करने बैठे हो तुम। किसी का बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर रहे हो। देखो ये निकल रहा है, कितना आसानी से निकल रहा है ना। तो गाइस हो चुकी है शाम और हम लोग जैसे आप लोगों को बोल रहे थे हम लोग कहीं जाने वाले हैं, तो हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं। ये बहुत दिनों के बाद गाइस मूवी देखने जा रहे हैं। I mean, शायद लास्ट मूवी कौन सा देखा था ये भी याद नहीं है हॉल पे, तो दैट्स व्हाई भी जा रहे हैं। और ये रहा रोहित काम करता हुआ है। चलो मैं तो रेडी हो गया, तुम बोले रेडी होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे। कितना टाइम लगेगा तुमको? मेरा अभी बहुत सारा काम है, मतलब बहुत सारा काम है एक्चुअली। तो तुम तो मुझे बोले कि रेडी होने के लिए, मैं रेडी सी गाइस मैं पूरा रेडी हो चुका हूँ। ठीक है तुम रेडी होकर रहो, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी बज रहा है 8:30, 9:30 का शो है, अब तुम अभी भी बोलो टाइम लगेगा, कब जाएंगे फिर हम लोग? थोड़ा सा मैं काम नहीं करूंगा तो फिर मुझे ऑफिस से डांट पड़ेगी। ठीक है गाइस फिर कुछ देर बाद मिलते हैं, मतलब देखते हैं 15-20 मिनट बाद क्या होता है, फिर मिलते हैं आप लोगों से। बाय। A lot of boring math later. तो गाइज अभी तो फिलहाल और 15-20 मिनट हो चुका है, सो ये अभी भी काम ही कर रहा है। क्या हम नहीं चल रहे क्या? जाएंगे बाबा जाएंगे, लेकिन अब मुझे काम नहीं करूंगा तो फिर प्रॉब्लम होता तो पता है बाबा। ये अच्छा नहीं लगता, ये सुबह मुझे बोला था, ये आप लोगों को भी बोला है कि कहीं जाना है, मुझे सुबह से बोला था कि चलो शाम को हम लोग मूवी देखने जाएंगे, तो मैं अकॉर्डिंगली ना ही खाना बनाया हूँ रात का, अभी रात के मतलब ऑलमोस्ट 9:45 हो रहा है, तो ना ही मैंने कुछ खाना बनाया है ना ही कोई प्रिपरेशन लिया, तो मुझे लगा था कि मूवी देखने जाएंगे तो वहीं से खा के आएंगे हम लोग रात को। बट अभी ये पता नहीं क्यों नाटक कर रहा है, मुझे ये सब नाटक बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं नाटक नहीं करो इधर, इसको काम ये पहले बोल सकता था या फिर वहां पे, मुझे ये समझ नहीं आता गाइस कि ये वर्क फ्रॉम होम का ये मतलब सिस्टम समझ नहीं आता कि सुबह से लेके शाम तक एक ऑफिस टाइमिंग होता है कि ऐसे 10 बजे से लेके 7 बजे तक एक ऑफिस टाइम होता है, लेकिन इसका है कि कभी भी टाइम करता है, रात को 9 बजे 10 बजे 11 12 1 बजे कभी भी ये काम करता है, इसका कोई टाइमिंग नहीं है। अरे ये चीज मुझे बहुत ज्यादा बॉदर करता है क्योंकि फिक्स एक टाइम नहीं है, ये कभी भी काम करता है। अभी पता नहीं, अभी 9 बज चुका है, आधा घंटा और बाकी है, अब क्या करोगी मुझे नहीं पता। तुम मुझे और आधा घंटा दो, और आधा घंटा में तो मूवी स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर जाके फायदा ही नहीं है, नहीं जाते फिर हो जाएगा क्योंकि काम है, मैं क्या करूँगा। तो आइदर मुझे बोल दो कि नहीं जाना, ऐसे लटका के मत रखा करो ना। मैं ऐसे नहीं बोल रहा नहीं जाना है, तुमको तो पता है कि हमने प्लान किया था जाने के लिए, मुझे जाना है, लेकिन ये काम छोटा सा मतलब काम है, ये एक्चुअली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो ना अब कितना आके फिर कर लेना, रात को कर लेना, बहुत रात को कर लेना, लेट नाइट को कर लेना, ये तो जितना मैं देख रहा हूँ बहुत टाइम का काम है, ऐसा नहीं कि अभी 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। चलो ना वो अल्लाचना। 5 minutes later तो गाइज फाइनली मेरा काम खत्म हुआ है और अभी बज रहे हैं 9:45 और
आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मतलब मैं नहीं चाहता था इतना लेट हो जाए, बट मेरा काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था आज, तो हम लोग आज शायद कि हम लोग आज मूवी देखने जाने नहीं पाएंगे, क्योंकि 9:30 बजे मूवी थी, अभी 45 ऑलरेडी हो चुका है, तो ये तो गुस्सा होकर सो गया यहाँ पे वेट करते करते, बहुत देर से सोया हुआ है। पीटर क्या हुआ, किसी और दिन चले जाएंगे? हे बेबी, बाबा बाबा आई एम सॉरी, काम था मेरा बाबा, आई एम रियली सॉरी, मेरा काम था, तुमको पता है ना बाबा मेरा काम होता है इतना ज्यादा। ठीक है हटो यहाँ से जाओ। आई एम सॉरी। अच्छा सुनो, मेरा तब देखो, नहीं देखना मुझे। अच्छा दोबारा ऐसा नहीं होगा, मुझे नहीं देखना। तुम क्यूट लग रहे हो मुझे बहुत ज्यादा। आई एम सॉरी। देखो मैंने जानबूझ के नहीं किया, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो क्या? सॉरी बोलो, तुम हमेशा ऐसा करते हो, तुमको नहीं जाना तो पहले बोलते तो मुझे कि नहीं जाना है, तब से तुम बोले मुझे नहीं, रेडी हो जाओ, ये हो जाओ, वो तुम बोलते कि ठीक है रेडी मत हो, रेडी हो गए कोई फायदा नहीं है फालतू का, मुझे काम इतना हो गया था। ठीक है तुम दूर मुझसे दूर, डोंट टच मी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है छोड़ो, कोई बात नहीं, होता है, हमेशा ही होता है ना। तुम एक बात सुनो मेरा, हमेशा ही होता है। एक बात सुनो तुम, मैं जानबूझ के लेट नहीं किया ना, तुमको पता है आज बहुत ज्यादा काम आ गया था बाबा, मैं ट्राई कर रहा था जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन इतना देर हुआ, अब मैं जमा। तुम हमेशा, ये तुम्हारा हमेशा का है, तुम कभी भी कुछ भी होता है कुछ काम कर दो, मेरा हाथ बटा दो, खाना कुछ बना, मैं काम कर रहा हूँ, तुमको दिख नहीं रहा है, ये यहाँ चला जाओ तुम काम करो, मैं तुम्हारी मम्मी को फोन करने बोलते, फोन करके ये पूछ लो, मैं काम कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा, आई एम टायर्ड ऑफ दिस। ठीक है कोई बात नहीं, कहीं अब नेक्स्ट टाइम से ना मैं बोलूंगा तुमको जाने के लिए और ना तुम जाना। अच्छा हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे। नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। नहीं नहीं तुम हमेशा ये सब मत करो, ये सब फालतू का, ये करके कोई फायदा नहीं होने वाला है, छोड़ो। मैं खाना भी नहीं बना रहा हूँ, मैं नहीं खाऊंगा रात को, मैं डिनर नहीं करूंगा, सो रहा हूँ बस। लेकिन हम खाएंगे क्या पता नहीं, तो तुम अपना देख लो, मैं क्या करूँ बोलो, अब इतना टाइम से यही होता है ना कॉन्वर्सेशन, अब जब दो इंसान एक घर में रहते हो तो थोड़ा कॉन्वर्सेशन होता है कि यू नो कि ये बनेगा वो बनेगा, तुम्हारा पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं है कॉन्वर्सेशन में कि क्या है, तुम बस आई एग्री मैं एग्री करता हूँ, सिर्फ काम करो, लैपटॉप के सामने बैठो दिन भर सुबह से लेकर शाम को, मैं भी करता हूँ काम, लेकिन अदर काम भी मैं करता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ऊपर वाले ने ऐसा बनाया कि मैं तुम्हारा घर भी, तुम वहां पे देखो, मेरे घर पे देखो, इस घर को देखो, जितने सारी बातें बोल रहा हूँ सब मैं, मुझे पता है मेरी गलती है और मैं इसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ, मुझे रिग्रेट है और आज मैंने जानबूझ के लेट नहीं किया, लेट हो गया, बट आई एम फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड, सो मैं जा रहा हूँ नहाने, अब मुझे अच्छा मिलेगा, जाओ। ठीक है तुम नहाने जाओ, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम प्लीज मुझे एक बात बताओ, तुम गुस्सा मत हो मेरे से, तुम गुस्सा मत रहो, लेकिन तुम मेरे पास आओगे तो मुझे गुस्सा आएगा, तुम दूर। गाइस तो गुस्सा होके चला गया, बाथरूम चला गया अभी फिलहाल, पर और बोल रहा है कुछ खाना भी नहीं खाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसके लिए उसके फेवरेट रेस्टोरेंट से कुछ चाइनीज ऑर्डर कर दूँ, क्योंकि उसको चाइनीज बहुत ज़्यादा पसंद है, पर मैं सोच रहा हूँ वही मैं करूँ ताकि उसका मूड थोड़ा सा अच्छा हो जाए। मेरी गलती है, पूरी जेन्युइनली मेरी गलती है, मैं मतलब उसको हर्ट करना नहीं चाह रहा था, बट सिचुएशन ऐसा हो गया था कि ऐसा हो गया है, मुझे मतलब पता नहीं चला, बट क्या कर सकते हैं। आज हमने मूवी का प्लान किया था एक्चुअली 3-2 देखने का, बट वो नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, मैं उसके लिए उसके फेवरेट रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर रहा हूँ और उसको एक सरप्राइज दूंगा उसके बाद, चलिए आप लोगों को दिखाएंगे उसको थोड़ी देर बाद, शायद उसका मूड ठीक हो जाए, आप लोग कमेंट करके बताना, पीटर को मनाने की कोशिश करना, पीटर इतना गुस्सा मत हो, थोड़ा अंडरस्टैंड ताकि करे, तो गाइस देखते हैं क्या होता है, हो चुका है शायद, तो मैं भी उसको कुछ नहीं बोलूँगा, मैं वेट करूँगा जब तक सब कुछ आ नहीं जाता, लेट्स सी कैसा रिएक्शन आता है उसका। कहाँ जा रहे हो आप? रुको कहाँ जा रहे हो? ये कहाँ जा रहे हो? गाइस मुझे लगता है वो, एक सेकंड मैं लॉक कर देता हूँ पहले। गाइस मुझे लग रहा है वो छत पे गया है, क्योंकि वो जब भी कभी भी सैड होता है तो छत पे जाकर थोड़ा सा बैठता है तो ठीक हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, अच्छा है वो मेरे लिए, रूम मुझे खाली मिलेगा तो मैं कुछ अच्छा भी और भी कुछ ज्यादा प्रिपरेशन कर पाऊंगा, तो चलिए जब तक वेट करते हैं, अभी तो खाना आने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, पता नहीं कब आएगा, मतलब 20 मिनट दिखा रहा है, तो लेट्स सी तब तक शायद वो वहीं पे बैठेगा, अभी बज रहे रात के 10, शायद 10 या 10:20 ऐसे हो रहा है, तो वेट करते कुछ देर, देखते हैं उसके बाद आप लोगों को बताएंगे क्या होता है, इतना लेट हो गया बहुत ज्यादा। गाइज मैं 2 मिनट्स में नहा के रेडी हो चुका हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि जब इतना कुछ कर ही रहा हूँ तो मैं एक डेट जैसा प्लान करता हूँ, जैसे मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ, नीचे खाना आ चुका है, चलिए पहले खाना लेके आते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ सेटअप किया है जो यहाँ पे है, तो चलिए पहले खाना लेके आते हैं उसके बाद मिलते हैं।
तो गाइस आ चुका है ये खाना और इसको मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा सेट करके रखूंगा ताकि दिखने में अच्छा लगे, तो वो सब करते हैं। चलिए तो गाइस ये मैंने रेडी किया है, ये रहा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। आई होप कि वो आके बहुत ज़्यादा खुश हो। यहाँ पे मोमो है, यहाँ पे रामेन है, और यहाँ पे है राइस, और यहाँ पे एक छोटा सा बियर है। चलिए मैं लाइट ऑफ करके देखता हूँ कैसा लगता है। ये रहा ज़िलिंग से, ये वो निप पूछ क्यों जा रहा है। गॉड, रुके मैं फिर से चला था उसको। यस इट्स फाइन नाउ, अच्छा लग रहा है। आई होप उसको पसंद आए। गाइस मैंने बहुत मेहनत से एक छोटा सा ट्राई किया है कि पीटर का दिल जीता जा सके, तो आई होप उसको ये पसंद आएगा। टेल वेट कि वो कब ऊपर से नीचे आएगा, जैसे वो नीचे आएगा मैं उसको ये सरप्राइज दूंगा। चले गाइस वेट करते हैं। गाइस यहाँ पे वेट करते करते मुझे 15 मिनट या 20 मिनट ऐसे हो चुके हैं, तो वो आ नहीं रहा था नीचे, तो मैंने सोचा कि उसको कॉल करूँ। मैंने उसको कॉल किया है कि नीचे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, तो ही मस्ट बी ऑन द वे, वो आता ही होगा। तो मैं इसलिए अब आके मैं इसको दिखाऊंगा कि क्या क्या मैंने प्रिपेयर किया, शायद मुझे माफ कर दे वो। आ चुका है गाइस, आ चुका है, आ रहा हूँ बेबी। क्या हुआ? हाँ क्या होगा? क्या तुम फोन करके बोले कि क्या प्रॉब्लम हो गया, क्या हुआ, क्या हुआ? ओ प्रॉब्लम बताता हूँ, रुको इधर आओ। पहले अभी भी गुस्सा हो तुम, पहले ये बताओ। नहीं मैं ठीक हूँ, बोलो क्या। ठीक हो तो इधर आओ, उधर देखो। देखो कैसा है। अच्छा लेकिन तुमने कब ये सब किया, इतना कम टाइम में कैसे किया? तुमने पहले से ये प्लान कर रखा है तुम नहीं जाओगे और ये सब करोगे? नहीं मैं एक्चुअली सोचा कि तुम्हारा मूड इतना ज़्यादा खराब है, तो मैं एक्चुअली कुछ ऐसा करता हूँ जो तुमको पसंद आए। मेरे को बहुत ज़्यादा लो लाइट है, तो मैं कुछ ऐसा करूँ जिसको तुमको पसंद आए, तो मैंने इसीलिए ये प्लान किया कि तुम्हारा फेवरेट रेस्टोरेंट से तुम्हारे लिए थोड़ा सा खाना ऑर्डर करूँ, तो जिसके लिए तुमको अच्छा लगेगा और हम लोग एक थोड़ा सा क्यूट टाइम स्पेंड कर पाए। मैं भी ऊपर में जब था मैं भी सोचा बहुत कि हाँ काम तो इम्पोर्टेंट है, तो दैट्स फाइन। सी दैट्स माय बॉय, इसीलिए तुमको इतना पसंद करता हूँ मैं। थैंक यू। चल तुम्हारे लिए मैं एक मग बनाता हूँ, देख के दा। I'm pro. अभी हम लोग ये पीने वाले हैं। हाँ मैंने सोचा कि तुम्हारा गुस्सा शांत करने के लिए तो बहुत दिन बाद ये लो। Cheers. Cheers. इसे जलाते हैं। एसी है नहीं हमारे पास। हाँ मतलब फैन। तो चलिए गाइस वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि हमने जो प्लान किया था सब कुछ 360 डिग्री बदल गया। हमने सोचा मूवी देखने जाएंगे, रात में हम लोग आएंगे लेट करके घर में ही खाना खाएंगे, लेकिन पूरा प्लान बदल चुका है। मुझे प्रॉब्लम नहीं होता गाइस अगर ये सुबह बोल देता, सुबह जैसे बोला था कि सुबह हम लोग उठे थे, आज सोच रहे थे मूवी, कल रात से सोच रहे थे मूवी देखने जाएंगे, कल रक्षाबंधन था तो सोच रहे थे मूवी देखने जाएंगे, हमारे बहन के साथ भी सबको बोला तो उन लोगों के पास टाइम नहीं था तो नहीं जा पाए, आज सुबह वो बोला कि जाएगा, देन अचानक से ये सब हो गया, सो दैट्स व्हाई। ठीक है तो मान गया ना, मैं मान गया। सो चलिए गाइस मैं खुश हूँ, एक्चुअली मैं खुश हूँ। तुम गुस्सा था पता है, मैं बहुत ज्यादा सैड हो गया था, मेरा मूड भी बहुत सैड। अभी तुम खुश हो तो मैं भी थोड़ा सा, मुझे मतलब थोड़ा हल्का फील हो रहा है कि नहीं नहीं। ठीक है चलिए तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। लाइक तो आप लोग करोगे नहीं, बट फिर भी बोल दे रहा हूँ, ट्राई करना गाइस 1000 लाइक कर देना वीडियो में। बाय, गुड नाइट।